नमस्कार, मैं श्रुति, स्वागत करती हूँ आपका बीबीसी लाइव न्यूज में। उमरिया जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहाँ पर सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासी अधिकारियों के प्रताड़ना का शिकार हो रखे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों ने इनके घरों की लाइट काट दी है, इसीलिए यह अंधेरे पर रहने पर मजबूर है। बिजली का बिल अधिक आया है तो कुछ ग्रामीणों को ने बिल को जमा कर दिया। जिनका सबसे अधिक आया है वह ग्रामीण बिल जमा नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से पूरे गांव की लाइट काट दी गई है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने कह दिया है कि जब तक का बिल माफ नहीं होगा तब तक लाइट नहीं होगी। मामला उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पिपरिया के भिलाई कब का है, जहां पर बिजली नखी होने के कारण लोग अंधेरे में चिमनी का सहारा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वहीं किसानों को भी चिंता सता रही है कि अगर सिंचाई नहीं हुई तो धान का रोपा भी सूख जाएगा। वहीं बच्चे भी रात में निकलने वाले जीव जंतुओं का डर बना रहता है। यहाँ की आदिवासी बिजली विभाग के तानाशाही रवैये से परेशान है, तो अधिकारी भी यह साफ कर दिए हैं कि जब तक बिल जमा नहीं होगा तब तक लाइट नहीं जुड़ेगी। जब इस संबंध में अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए हमारी कैमरा टीम विद्युत मंडल के कार्यालय पहुंची, तो वहां के अधिकारियों ने हमारी टीम से मिलना मुनासिब नहीं समझा। उमरिया से सुशील राय की रिपोर्ट। बसंत लाल भैया, लाइट कब से बंद है? कम से कम हमारे वह 15-17 तारीख से कट हुआ, तब से बंद है। ये घर मतलब बड़ा है, तिलक चढ़ा वाला रहो, तब हालांकि 1100 रुपये बिल जमा कर रहे हैं, पर वह दिन से काट दे रहे हैं लाइट। वह दिन हम यहाँ से गैस लाने पर पिपरिया से, तब तो कार खराब कर रहे हैं अपन। बिल जमा है हमारा, जमा है उनका नहीं है जमा, उनका ज्यादा है, 1100 जमा कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग अंधेरे में रहते हैं? हाँ, अंधेरे में रहते हैं। खेती किसानी कैसे करते थे लाइट नहीं थी? अब भाई जब खेती किसान ये समय थोड़ी कम ध्यान दे हो पड़े हैं, बाकी एक बार मैं कहूँ कुछ ख्यात सफा हो जाए, ईंटा पर आ रहा हूँ तो कहूँ साफ हो जाए। पूरे गांव की लाइट कटी? हाँ, पूरे गांव की लाइट कटो। क्या नाम है दादा? प्रभु बाएगा। प्रभु बाएगा। कौन से गांव के निवासी हो? बिलाई का। आपकी लाइट क्यों कटी हुई है? पता नहीं साहब, ये मैं बिल्ली तो जमा करते गए हूँ, और ये 22,000 का मेरे पास ये कागज में आज लिखो है, तब से मैं कहूँ कि अब मैं जमा जमा ना करी हो जो कुछ खोई थे भोगी हूँ। अब तो कितने महीने से लाइट कटी तुम्हारी? ये मेरा कट गया है, ये 6 महीने के बाद है कटो। और बिल कितना आया तुम्हारा? ये पूरा 22,000 से फिर अभी वही है, नहीं मिलो रसीदे, नहीं मिलो। पूरे गाँव की लाइट ऐसी कटी है? हाँ। कितने महीने का बिल है ये पता नहीं, जे महीने के हो? हाँ, 6 महीने के, मतलब अपनी समझ में आओ। कमला प्रसाद बर्मन, ग्राम बिलाई का। ये लाइट क्यों कटी है? सर, क्या है कि विद्युत विभाग वाले आए थे तो 17/6 को आए थे, और बिल बता रहे थे कि 1,75,000 करीब है ये ग्राम बिलाई का आपका, और गांव में कुछ वसूली भी किए। इसके बाद बोले कि ये और जो जमा गांव में नहीं है तो बिजली आप इसे ऑनलाइन करके अपना पैसा जमा कर दी, तो 10-15 दिन में कम से कम 1,00,000 करीब का बिल जमा हुआ। और उसमें से क्या है कि कुछ लोगों का, जैसे प्रभु बैगा का बिल है, उसका बेचारे का 4 महीने का 22,300 करीब 6 रुपए का बिल गाँव में दिखा रहा है, तो उस वजह से ऐसे करके कुछ है, मर चुके हैं श्रीमान जी, तो उनका बिल भी बिजली आपिस वाले जोड़े हैं, और गांव का बिल लगभग 75,000 के करीब बता रहे हैं कि इस गांव का बिल अनपेड है, इस वजह से लाइट काट दिए हैं। और जो ये हम लोगों का खेती किसानी के लिए रोपा का वो किए हैं, तो रोपा भी पूरा श्रीमान जी जल रहा है, ये सब लाइट बंद है, न पंप चलते, हम किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आए दिन अब बच्चों का पेपर है, कॉलेज वालों का, ये 12वीं का जिनका वो देना चाहते हैं पेपर, तो ऐसे समय में हम लोगों को बहुत संकट से गुजर रहे हैं श्रीमान जी। और ये हमारे नल जो भी है, तो बिजली की वजह से नल भी नहीं चल पा रहा, नल मुख्यमंत्री नल जल योजना की ओर से जो पंप है वो भी नहीं चल रहा, लाइट ही नहीं है, तो गाँव में पंप चलेगा कैसे? तो हम ऊपर की मार और ये विद्युत मंडल की मार, बहुत परेशानी का सामना करना। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए बीबीसी लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।